तो ये क्या करूं। हो घसीट के इसको दादर तक तो ले जाऊंगा, दादर से ऊपर कैसे पहुंचाऊंगा। अरे वाह, अरे भाई साहब दो मिनट बहन जी, थोड़ी मदद करेंगे भाई, ये आम की पेटी जरा इधर पहले माले पे पहुंचानी है, थोड़ा उठाने में मदद करेंगे प्लीज। सॉरी अंकल, वो क्या है ना, मेरे हाथ का फ्रैक्चर कल ही ठीक हुआ है और डॉक्टर ने मुझे मना किया है कोई भी वजनदार चीज उठाने के लिए। आप वो तो नहीं पूछ सकता मैं, सॉरी, थैंक यू, सॉरी। क्या क्या बहाने बनाते हैं, फ्रैक्चर अभी ठीक हुआ, लड़के के साथ घूमने का डॉक्टर ने मना नहीं किया। चलो अभी पहुंचाना तो पड़ेगा ही घर तक। ये दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा कितने डजन आम लाए? 5 डजन बापूजी। 5 डजन आम लाए, इसमें इतना सब गया? अरे गांव में हम लोग 20-20 किलो की गेहूं की बोरी उठा लेते थे। पापा मस्त बैठे, एकदम परफेक्ट वेट का है। यस। तुझे तो आज बैट देने की जरूरत ही नहीं थी, आज क्या तूफान किया तूने? अरे पापा, ऐसा बम्बा वाड़ा की तरह सीढ़ी चढ़ के बालकनी में से किसी के घर में का घुसता है, और सीढ़ी पैसे तुम में से को गिर गया होता तो। रियली सॉरी पापा। टप्पू के पापा देखिए, टप्पू को उसकी गलती का एहसास हो गया है, मैं और बापू जी उसको समझा चुके हैं। तो मतलब अभी मुझे उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहती है? कीड़े को आम दे के आया? नहीं बापू जी। तुझे बोला था ना कि दुकान से आते वक्त भीड़े को आम देकर आना। बापू जी ये आम मैं भीड़े को देने ही गया था, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं लिया। कहने लगा टप्पू सेना ने आम खाए, उसके बदले में सामने तुम मुझे आम दे के मेरा अपमान कर रहे हो। हाँ वो तो है, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। मुझे भी मन ही मन था कि भिंडी मास्टर आम नहीं लेगा। अरे तो फिर मुझे आम लाने के लिए क्यों कहा बापू जी आपने? हमारा फर्ज निभाने, हमारा फर्ज था भिड़े को आम ला कर देना, लेने आम नहीं लिए उसकी खानदानी। मम्मी अभी आम आए ना तो अमरस बनाना। ये चंपकिया। अरे अरे रौजी, अरे अरे शू आज से है मरो भाई बन मत्ते मेरा। हां कैसा है तू? एकदम फर्स्ट क्लास। सोचे का आई आई रौजी का जीता रहो। अरे टपड़ा, अरे जीता रहे, कैसा है तू? एकदम मस्त रौजी दादा। ये देख बहू, ये देख असली घी ले। अरे तेरी काकी ने गांव से भेजा है देसी घी, कितनी मस्त खुशबू है काका।
अरे इसकी खुशबू सुनकर रास्ते में 3-4 लोगों ने पूछ लिया, काका ये घी कैसा दिया? आओ आओ आओ। अरे चंपकिया, बहुत दिन से तुझे मिला नहीं था तो मिलने का दिल किया, और असली घी भी तैयार था तो सोचा तुझे मिल लूं और घी भी देता चलूं। सीधा स्टेशन पहुंचा, गाड़ी पकड़ी और आ गया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तुमने। लीजिए रवजी का कप पानी। रवजीड़ा, तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। रवजी काका, आपको मन हुआ कि मुंबई जाना है तो आप गांव से फटाक से ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गए, जबकि हम लोगों को बड़े मार्केट में 2-3 घंटे के लिए भी जाना हो ना तो भी 4-5 दिन तक सोचते ही रहते हैं, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अरे दे, रवजी काका सफर करके जरा कड़क मसाला वाली चाय तो पी ले। ए नहीं नहीं जेठिया, चाय नहीं, अभी खाने का टाइम है, सीधा खाना ही खा लूंगा। हाँ काका, गर्मा गर्म खाना तैयार ही है। रवजी एक काम कर, तू पहले नहा ले, सफर की थकान उतर जाएगी। हाँ हाँ रवजी दादा, आइए आइए मेरे रूम में चाहिए। चल चल बहू, खाना बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू। अरे रवजी, बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। पूरी ले, पूरी ले बहू, पूरी दे। नहीं नहीं चंपकिया, आप 2 दिन तक भूख नहीं लगी, इतना खाना खिला दिया है तुम। रवजी काका, आपने पूरी नहीं खाई तो एम्ब्रेस तो लेना ही पड़ेगा। बस 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 कुछ नहीं। अरे रवजी ना नहीं बोलते, बहू का तो मान रख। दे 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 दे। और आ जाएगा अभी, और 4 रोटी खानी है। चल चल फटाफट। रवजी दादा, मेरा मन भी रखना पड़ेगा, ये लीजिए पात्रा, ये लीजिए। ये रवजी, ये गलत बात है, तूने बहू का मान रखा, टप्पू का मान रखा, मेरा मान नहीं रखेगा, अब तो तुझे पूरी लेनी ही पड़ेगी। पूरी दे, पूरी दे। अब तो सिर्फ मैं बाकी रह गया, मेरा मन भी रखना पड़ेगा। तू तो बोल रहा है बात जेठिया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी चटनी तो खानी ही पड़ेगी। ले ले। रोजी काका, थोड़ा और मुखवास खाइए। अरे मेरा मान रखिए। रोजी और बता, घर में सब कैसे? अरे काय पी रहे जलसा, घर के और गांव के सारे लोग एकदम मजे में। और वो अपने धनजी, वो वालजी, श्यामजी सब कैसे? अरे अपने वालजी ने तो नया ट्रैक्टर लिया है। अरे परसों तेरे और मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला है। अरे वाह, इसलिए मैं भी कल शाम को निकल जाऊंगा तो परसों तक पहुंच जाऊंगा। बस काका कल ही जाना है। हाँ दया बहू, सिर्फ एक दिन के लिए आया हूँ। तो कल वापसी की टिकट भी लेकर आए आप? नहीं नहीं, मैं वापसी की टिकट नहीं लाया हूँ। तो अरे इसमें टिकट क्या लेना है, स्टेशन जाऊंगा, टिकट लेकर चलती गाड़ी में चढ़ जाऊंगा। बाप रे, बिना रिजर्वेशन के ऐसे भीड़ में? इसमें भीड़ क्या, बस कहीं बैठने की जगह मिल गई तो सुबह तक तो गाँव। रवजी दादा, आप तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। अरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा मजबूत तो तेरा ये दादा चंपक था। एक दिन हम दोस्तों में शर्त लगी कि नारायण काका के तूफानी बेल की रस्सी खोलकर उसे वापस कूटे पर बांधने का बीड़ा कौन उठाएगा, तो तेरे चंपक दादा ने बीड़ा उठाया। वाओ दादाजी, फिर? अरे क्या फिर, अरे रवजी रहने देना भाई, तू भी। बाबूजी सुनने दीजिए ना, आप तो कभी अपने मुँह से अपने बहादुरी का किस्सा सुनाते नहीं है। बापूजी को आदत है ना अपने मुँह से अपनी तारीफ करना। सुनने दीजिए बापूजी। अरे फिर क्या, फिर चंपकिया में तो जवानी का जोश था, जैसे उसने कालिया बैल की रस्सी खोली और जैसे उसे पकड़ने गया, कालिया बैल को गुस्सा आ गया। न कालिया बैल जीत छोड़ने को तैयार, न चंपक जीत छोड़ने को तैयार। और फिर गांव की गलियों में कभी कालिया बैल आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चंपक भाग रहा है, तो कभी कभी आगे चंपक भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कालिया बैल भाग रहा है। दादाजी, कालिया बैल आपको पकड़ने आ रहा था? अरे नहीं नहीं, सींग मारने। हाँ।
फिर क्या हुआ? और फिर कालिया बैल और चंपक ने पूरा गांव घुमरी पर चढ़ा दिया। गांव के सारे लोग तमाशा देखने आ गए। दो चार लोगों ने चंपक की मदद करने की कोशिश की तो चंपक ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि आज तो चंपक की इज्जत का सवाल है, मैं इस कालिया बैल को पकड़ कर ही रहूंगा। शाबाश दादाजी, फिर क्या? चंपक और कालिया बैल एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दोनों एक दूसरे के सामने दौड़ने लगे और जैसे कालिया बैल ने चंपक को सींग मारने की कोशिश की, चंपक ने पूरी ताकत के साथ उसके दोनों सींग पकड़ लिए। कभी कालिया बैल चंपक को पीछे धकेल रहा था तो कभी चंपक कालिया बैल को पीछे धकेल रहा था। हम सबको लगा कि आज तो चंपक की हड्डियां टूटेगी, लेकिन चंपक ने कहा जय बजरंग बली और जैसे तैसे कालिया बैल को खूंटे से बांध दिया। अरे वाह! पर कालिया बैल ने चंपक के मुंह पर ऐसा सींग मारा था कि चंपक का टमाटर जैसा मुंह कद्दू जितना हो गया था। दादाजी, इतने बड़े साहस में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती है ना? क्या बोलो बापूजी, इसको छोटी मोटी चोट बोल रहे हैं? अरे एक बार तो, अरे रौजी रहने दे भाई, तुम भी बोल लड्डू वाला। अरे रहने दे बापू जी, अरे सुनने दीजिए ना। आप मेरे किस्से तो टप्पू को, दया को, सबको सुनाते रहते हैं। आज आपके किस्से सुनने का मौका मिला है, सुनने दीजिए ना प्लीज। हाँ दादाजी, सुनाइए ना। गांव में वालजी की शादी के लड्डू बन रहे थे तो सब में चढ़सा चढ़सी हो गई सबसे ज्यादा लड्डू कौन खाएगा। तो ये चंपक ने तो जीत पकड़ ली कि सबसे ज्यादा लड्डू मैं खाऊंगा। आपने बापू जी ज्यादा लड्डू खाने की रेस लगाई? मुझे आपका खुराक तो पहले से ही कम है, फिर आप ऐसी रेस में उतरे क्यों? शायद अपने किसी मित्र को जीतने के लिए। अच्छा, ये हो सकता है, तो फिर आप हार गए बापूजी। अरे जेठा, शुद्ध घी से लत पर लड्डू की हरी पाई में सबसे ज्यादा लड्डू तेरा ये सुख लकड़ी पिताजी खा गया था। अरे वाह 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 वाह, शाबाश दादाजी। वाह बापूजी वाह। और पता है क्या हुआ? अरे भाई रौजी, तू मुझसे मिलने आया है कि मेरे किस्से सुनाने आया है? वैसे रौजी काका, बापूजी एक बात बोलनी पड़ेगी, ये गांव की पुरानी बातें सुन के मजा आ गया। भाई पुरानी बातों की बात ही कुछ और है, अब सच कहूँ तो जीवन तो सिर्फ गांव का। हाँ वो तो है, सुबह सुबह सारे किसान बैलगाड़ी लेकर है ना खेत में जाते हैं, गांव की सारी औरतें सर पे खड़े रख कर कुएं पे पानी भरने जाती, और तुझे पता है बहू, यहाँ जैसे वो औरतों की किट्टी पार्टी होती है ना, वैसे गांव के सारे बुजुर्ग मिलकर शाम को गांव के चौक पे बैठते, मंदिर की आरती में पूरा गांव आता, वो मिट्टी की खुशबू, उस सांसों में उतरती शीतल हवा, वो गांव के एक दूसरे के सुख दुख बांटते फूले लोग, कोई भी त्योहार हो गांव के सभी लोग हर त्योहार उत्साह और उमंग से मनाते। वाओ, कितनी ग्रेट लाइफ थी। हाँ बेटा, लेकिन ऐसी अद्भुत जिंदगी अब बस यादों में रह गई। ऐसी बात नहीं है चंपक, शहर वालों के लिए जिंदगी सिर्फ यादों में रह गई है क्योंकि शहर में इंसान मशीन बन गया है, लेकिन गांव में आज भी लोग ऐसे ही जीते। भाई तू तो मुंबई आ गया, लेकिन तेरे सिवा हम सारे दोस्त जाम खेलते थे ना पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ रोज मिलते। अच्छा? और आज भी जब मैं खेत में होता हूँ ना तो ये जेठिया की काकी रोज मुझे खाना देने खेत में आती है। आहा, 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 खाने का असली सुख तो खेत में पेड़ के नीचे मिट्टी पे बैठ के खाने का है। अरे आज भी गांव में उगते सूरज को देखने का मजा जो पहले आता था ना, आज भी उतना ही आता है। अरे आज भी मंदिर की आरती की घंटियां सुनाई देती है ना तो परमेश्वर को पा लिया हो ऐसी अनुभूति होती है। बस कर रौजी, बस कर रौजी, कल मैं भी तेरे साथ गांव आ रहा हूँ। बाबूजी कल ही? हाँ हाँ जेठिया, कल ही। अरे ये रौजी की बातें सुनकर मुझे गांव की बहुत याद आ रही है, अब जब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन बाबूजी अभी वहाँ बहुत गर्मी होगी। अरे बहू, उसी गर्मी में रहकर तो मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं गांव जाऊंगा, सबको मिलूंगा, मेरे मामा काका सबको आसपास के गांव में मिलने जाऊंगा। तो दादाजी मैं भी आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे,
अरे मैं वहाँ पूरा दिन यहाँ वहाँ धूप में घूमता रहूंगा, वहाँ की धूप तू सह नहीं पाएगा, तेरी तबीयत बिगड़ सकती है। दादाजी प्लीज। अरे बेटा मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, फिर दिवाली में जब ठंडी होगी ना तब हम सब साथ में गाँव जाएंगे। दादाजी तो फिर हम सब दिवाली में साथ में जाएंगे। नहीं बेटा मैं दिवाली तक इंतजार नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं बापू जी, आप 1 हफ्ता रुक जाइए, 1 हफ्ता में मैं क्या दुकान का थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, फिर सब साथ में ही जाते हैं। अरे नहीं भाई नहीं जेठिया, मैं अभी 1 हफ्ता भी इंतजार नहीं कर सकता, और तुझे भी काम खोटी करके वहाँ आने की कोई जरूरत। पर बापू जी। अरे जेठिया ये रौजी की बातें सुनकर मुझे गाँव जाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तो कल के कल ही गाँव जाना है। तू बागा को फोन कर और मेरी और रौजी की टिकट बुक करवा दे। बापूजी मेरी बात सुनिए। तू फोन करता है कि मैं करूं? पेट भर के खाना खाया आज तो नहीं? हाँ बोलिए सेठ जी। हेलो बागा। हेलो बागा। ओ बापूजी बोलिए बोलिए। अच्छा सुन, कल भूत जाने की 2 टिकट बुक करनी है। 2 कौन, आप और सेठ जी? अरे नहीं नहीं भाई, मेरी और रौजी की। अच्छा आपके गांव के रौजी काका? हाँ। टिकट हो जाएगी बापूजी, रौजी काका का पूरा नाम और उम्र बता दीजिए। हाँ लिख ले, रौजी दामजी काला। ठीक है बापूजी। और देख बागा मुझे निराश मत करना, कुछ भी करके कल की टिकट करवा ही देना। बापूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी टिकट हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। रौजी ले, कल की टिकट हो जाएगी, अब मैं भी कल तेरे साथ गाँव आ रहा हूँ, मुझे आएगा। वाह चंपा क्या वाह, क्या बात है, मजा आ जाएगा। अब मैं चलूं? अरे क्या चलूं, कहाँ चलूं, हमें कल गाँव जाना है। हाँ हाँ मैंने सोचा था कि खाना तेरे घर खाऊंगा और रात को मेरे साले भवान जी के घर पे जाके रहूंगा। अरे भाई वहां नहीं गया तो जेठिया की काकी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। हाँ रौजी काका ये सब सालों की वजह से ही हम सबका घर संसार वातानुपीड़ित होता है, मेरा मतलब है वातानुकूलित रहता है। चल मैं निकलता हूँ चंपक। हाँ। रौजी दादा मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। और रौजी सुन, कल वक्त पे आ जाना और कल दोपहर का खाना तुझे यही खाना पड़ेगा। आओ जाओ। कल जल्दी आना काका। बापू जी भी खोटी जिद कर रहे गाँव जाने की। अरे उसमें खोटी जिद क्या, बापू जी को मन हो रहा है गाँव जाने का तो जा रहे हैं। अरे वो बराबर है लेकिन गाँव में अभी गर्मी कितनी होगी, ऊपर से बापू जी यहाँ नहीं होंगे तो मुझे बार बार दुकान छोड़ के घर आना पड़ेगा। क्यों बोला? बापू जी यहाँ नहीं होंगे तो टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी, टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी तो भीड़े के मेरे ऊपर के फोन बढ़ जाएंगे, तो बार बार दुकान छोड़ के घर आना ही पड़ेगा ना। अरे बात की चिंता अभी मत करो टप्पू के पापा, बापू जी कल गाँव जा रहे है तो खुशी खुशी उनको जाने दो और आप भी खुशी खुशी सो जाओ। टप्पू बेटा बस अभी सो जा। हाँ दादाजी थोड़ी देर। अरे बस टप्पू टप्पू सो जा चल। शाबाश दादाजी। हाँ मुझे आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। टप्पू दिख रहा मुझे भी तेरे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दादाजी मैं आपको बहुत मिस करूंगा। बेटा मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगा, लेकिन क्या करूं दिख रहा, ये रौजी से गांव की बातें सुनकर मुझे गांव जाने का इतना मन हो रहा है कि अब जब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। दादाजी आप गाँव जाइए पर आप वापस कब आओगे? देख बेटा अभी इतने दिनों बाद गाँव जा रहा हूँ तो थोड़े दिन तो वहाँ रहूंगा ना है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मेरे टप्पूड़ा के पास आ जाऊं। हाँ ओके दादाजी, पर आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? कि आप मुझसे रोज फोन पे बात करोगे। अरे ये भी कोई कहने की बात है बेटा? अरे मैं खुद तेरी आवाज सुने बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं तुझे रोज फोन करूंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस। दया चाय ला।
आगा अभी तक टिकट लेके नहीं आया। फोन काट दिया, फिर से ट्राई करता हूँ। टप्पू के पापा चाय। फिर से काट दिया, क्या हुआ? अरे बागा को फोन कर रहा हूँ, बार बार फोन काट रहा है, फोन नहीं उठा रहा। अरे बागा भाई किसी काम में बिजी होंगे। बिजी होगा तो कम से कम फोन उठा के बोल तो सकता है ना, जवाब तो दे सकता है ना। टप्पू के पापा मेरी माँ हमेशा कहती है छोटी छोटी बात में टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसमें हमें ही नुकसान होता है। अब चाय पी लीजिए। क्या हुआ? जबान जल गई मेरी। देखा, टेंशन की वजह से आपको नुकसान हुआ ना? टेंशन की वजह से नहीं, तेरी वजह से ही हुआ। मेरी वजह से कैसे? तूने अपनी माँ के ज्ञान की किताब खोली तो उस किताब का डर से मैंने गरम गरम चाय पी ली। सॉरी, मैं चाय ठंडी कर देती हूँ। बाघा क्यों फोन नहीं उठा रहा है? फिर से काट दिया। सेठ जी। अरे फोन काट दिया फिर भी बाघा की आवाज सुनाई दे रही है। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, बाघा भाई फोन में नहीं, यहाँ है। हाँ सेठ जी, मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ हूँ वाड़ी, कब से फोन करो, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? लीजिए टप्पू के पापा, चाय ठंडी हो गई। एक मिनट रखने, मैं पीता हूँ भाई। फोन क्यों नहीं उठा रहा है भाई तू कब से? वो सेठ जी, आप जब फोन कर रहे थे तब मैं सोसाइटी कंपाउंड में ही था। कंपाउंड में था तो फोन उठा के बोल नहीं सकता था? सेठ जी मैं कंपाउंड में हूँ, बस आ ही रहा हूँ। इनकमिंग तो फ्री है कि तेरे मोबाइल में उल्टा है? इनकमिंग का पैसा लगता है और आउटकमिंग फ्री है। हंस रहे हैं। अच्छा क्या सेठ जी, आप भी अगर आउटगोइंग फ्री होता तो मैं खुद आपको सामने से फोन करके अपने घर से यहाँ तक पहुँचने की रनिंग कमेंट्री आपको फोन पे सुनाता कि सेठ जी मैंने अपने घर के बाहर अपना कदम रख दिया है, सेठ जी अब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ और अब मैं रास्ते पे आ गया हूँ। तो रास्ते पे आने के लायक ही है। बस कर, बस कर। बस करता तो ज्यादा टाइम लग जाता सेठ जी, इसलिए फिर मैं रिक्शा में आया। रिक्शा मुझे शिक्षा मत दे और कुछ मत बता, मुझे सिर्फ इतना बता कि तू कंपाउंड में आ गया था तो फोन क्यों नहीं उठाया? सेठ जी क्यों फालतू में आपका एक रुपया बिगाड़ना? और मेरा ये मानना है कि अगर जरूरत ना हो तो अपना या किसी दूसरे का एक रुपया भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। बड़ा बड़ा बागा भाई, मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है। बस अपने पूज्य मातुश्री के ज्ञान की गागर को बंद करके अभी जरा साइड में रख दीजिए, वरना पत्थर मार के तोड़ दूंगा गागर। माँ का ज्ञान तो सागर से भी विशाल है, वो गागर में तो क्या सागर में भी नहीं समझ सकता। सॉरी बागा भाई, आपके लिए क्या लाऊं, चाय या कॉफी? दोनों। मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। सेठानी जी अब भी टपरी पे चाय पीकर आ रहा हूँ, लेकिन आपके हाथ की मसाला वाली गर्मा गर्म चाय मिस नहीं कर सकता, इसलिए चाय। अभी काम की बात करे बागेश्वर जी। टिकट का क्या हुआ भाई? टिकट मिल गई। आज के प्लेन की 2 टिकट ले आया हूँ सेठ जी। अरे वाह बागा वाह। तो अभी बापू जी और रवजी काका आज के आज भुज पहुँच जाएंगे और वहाँ से सीधे बचाओ। वाह वाह बागा वाह। पहली बार बिना बोले तूने ठीक काम किया, वरना मुझे तो चिंता थी क्योंकि वेकेशन का टाइम है और तू ट्रेन के टिकट लेने गया तो ट्रेन के टिकट तो मिलेगी नहीं। वाह बागा वाह, कमाल कर दिया तूने। कभी कभी अचानक तू होशियार हो जाता है नहीं? ले ले बागा, मेरी तरफ से तुझे इनाम, ये ले। नहीं नहीं सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप?
ये तो घर का काम है और मैं हमेशा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। ये टपुड़ा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं। अरे बाबूजी वेकेशन है ना तो खेल रहा होगा गार्डन में या नीचे कंपाउंड में। बाबू भाई ये लीजिए चाय। थैंक यू सेठानी जी। वाह बाबू जी आप ये पेटी लेके गाँव जाने वाले? हाँ तो हर बार यही तो लेके जाता हूँ। हाँ बराबर है लेकिन इस बार ये वजनदार पेटी रहने दीजिए, आप मेरी बैग लेके जाइए। चल चल अबे तेरी प्लास्टिक की हल्की फुल्की बैग इसके सामने कुछ नहीं है। बापू जी वो प्लास्टिक की है बराबर है लेकिन बहुत मजबूत है, पिछले 5 साल से मैं वापर रहा हूँ। अच्छा तो मैं ये पिछले 50 साल से वापर रहा हूँ, मजबूत है एकदम मेरी तरह। और ये पेटी सिर्फ पेटी नहीं है, इसके कई फायदे हैं। ये देख इसको रास्ते में ऐसे रख कर इसको कुर्सी बना के आराम से इस पे बैठ सकते हैं ऐसे। और तुझे पता है ये पेटी इतनी मजबूत है कि इस पे कितना भी ठेकड़ा मारो इसको कुछ नहीं होता। देख ले ये देख ये देख। बाबूजी बाबूजी संभल के। अरे रास्ते में इसको लेके चलो ना तो लोग अपने आप रास्ता दे देते हैं। अरे और तो और कोई चोर इसे छीन कर आसानी से भाग भी नहीं सकता। सही कहा बापूजी। ठीक है बापूजी आप यही यही पेटी लेके जाना बस। अरे ले जाना क्या, मैं तो यही पेटी लेकर जाऊंगा समझा। लेकिन ये पेटी तो तब लेके जाऊंगा ना जब टिकट आएगी। बापूजी टिकट आ गई है ये लीजिए। बागा लेके आया आज के प्लेन की, आपकी और रोजी काका की। प्लेन की टिकट कितने की आई? बापूजी मेरे होते हुए पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं एक मिनट रुक, बागा कितने की आई टिकट? एक टिकट के 15,000। दो टिकट के 30,000 रूपए? हाँ बापू जी। जेठिया तू दो टिकट के पीछे 30,000 रूपए का धुआं करेगा? अरे बापू जी मेरा बस चला था मैं आपको पूरा नया प्लेन खरीद के दे दू, फिर जिधर मर्जी आप उड़ा उड़ करो। चुप रे, तुझे पता है 30,000 रूपए में गांव में 3 जगह पानी की परब बन सकती है? हाँ तो बनवा दूंगा बापू जी, उसमें क्या है। अरे 30,000 रूपए में पूरे 10 साल तक गाँव के चबूतरे पर कबूतर को दाना खिला सकते हैं। वो भी करवा दूंगा। और बोलिए बबूचक तुझे प्लेन की टिकट महंगी नहीं लगती? लेकिन वो रौजी के बेटे की तेरी तरह इलेक्ट्रॉनिक की दुकान नहीं है? तो बापू जी रौजी काका से हम थोड़ी पैसे लेंगे। अरे जेठिया रौजी बड़ा स्वाभिमानी है, वो मुफ्त की टिकट नहीं लेगा। और वैसे भी रौजी के पास 15,000 रूपए खर्च करवाना ठीक नहीं है। तो अभी आगा ये टिकट कैंसिल करवा दे, मैं जाऊंगा तो ट्रेन से जाऊंगा बस। बापू जी टिपू के पापा, बापू जी की बात बराबर है, हमें अपने साथ दूसरे के स्वाभिमान का भी ध्यान रखना चाहिए। हो गया। क्या हो गया? काम हो गया, प्लेन की टिकट कैंसिल कर दी। इतनी जल्दी? मोबाइल नेट। ये अच्छा किया बागा। तो अभी टिकट कैंसिल के तो कितने कटेंगे? 100%। मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। ये कोई मजाक का टाइम है भाई? दोनों टिकट में से 1,000 रूपए कटेंगे। रौजी काका का स्वाभिमान 2,000 में पड़ा। देख जेठिया मुझे आज ही निकलना है, तू कुछ भी करके ट्रेन की टिकट का बंदोबस्त कर बस। बापू जी वेकेशन चल रहा है, ट्रेन की टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। बिना कोशिश किए हार मान ली। सेठ जी आप फिकर मत कीजिए, टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं कुछ करता हूँ। शाबाश बागा शाबाश, टिकट मिलते ही मुझे फोन कर देना। जी बापू जी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, आप बचाओ जाएंगे और आज ही जाएंगे, ये बाघा का आपसे वादा है। शाबाश बेटा शाबाश। चल बाजू हट। हाँ जी जी बाबू। Thank you.
क्या हुआ भाई? क्या काम हो जाएगा बोल के तेरा भाव क्यों बदल गया? तेरे चेहरे के हाव भाव क्यों चिंताग्रस्त हो गए? सेठ जी, मेरा मुंह ही ऐसा है। टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा ना भाई? जाको राके साईया, मार सके ना कोई, बाघा लेकर आएगा बचाओ की टिकट दोई। अरे भाई, चार रास्ते के बीचों बीच पुतला खड़ा हो, ऐसा क्या खड़ा हो गया है? जल्दी से बापूजी की टिकट का बंदोबस्त कर। सेठ जी, मेरी पहचान में इतने सारे लोग हैं ना, सोच रहा हूँ सबसे पहले किसको फोन करूँ। अरे भाई, जिसको करना है कर, लेकिन जल्दी कर। जी हाँ, एक मिनट। हेलो। हेलो, दो टिकट चाहिए। हाँ, मिल जाएगी कभी की? आज शाम की, भूज की। भूज? अरे भाई साहब, ऐसी कोई पिक्चर रिलीज नहीं हुई हो? और अगर हुई तो हमारे यहाँ लगी नहीं है। नहीं, पिक्चर नहीं, आज शाम को भूज जाने के लिए ट्रेन की दो टिकट चाहिए। अरे भाई साहब, जरा देख के नंबर डायल करिए, ये रंग बिरंगी मल्टीप्लेक्स का नंबर है। सॉरी। क्या हुआ? सेठ जी, वो गलती से ट्रैवल एजेंट की बजाय मल्टीप्लेक्स का नंबर लग गया। चल, लगा दूसरा नंबर, लगा जल्दी। ठीक है, मिल गई। सेठ जी, सब जगह यही कह रहे हैं, 15-20 दिन के बाद की टिकट मिलेगी, वो भी वेटिंग में। अरे तो बापूजी के सामने होशियारी मरने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेठ जी, मेरी कोशिश तो चालू ही है ना। मुझे कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए, परिणाम। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, अगर कुछ नहीं हुआ तो सुल्तान भाई तो है ही। वो कौन है? मुंबई से भूज रोज उनकी ट्रक जाती है। पागल ऐश्वर, तू बापूजी को ट्रक में भूज भेजेगा? नट्टू काका, ये क्या बोल रहे? वन मिनट प्लीज। बागा, ये क्या बोल रहा है? लेकिन नट्टू काका, इमरजेंसी में ऑप्शन तो ओपन रखने पड़ते हैं ना। सेठ जी, आप फिकर मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। रास्ता नहीं, मुझे पटरी चाहिए, पटरी जिस पे ट्रेन बापूजी को सही सलामत भूज तक ले जाए। सेठ जी, अपने बाजू की गली में एक ट्रैवल एजेंट है, उनसे पूछ कर देखें। आ जा भाई, जा पूछ के, जल्दी पूछ के, जा जल्दी। बापूजी, ये भजन की चोपड़ी, ये माला और ये आपकी दवाई। बापूजी, आपको और कुछ चाहिए? नहीं बहू, मेरा सारा सामान आ गया है। लेकिन बहू, ये टप्पू कहाँ है? सुबह से दिख ही नहीं रहा है। टप्पू आ गया दादाजी। अरे आ गया, हमारा दिख रहा। टप्पू कहाँ था बेटा सुबह से तू? और ये क्या है? दादाजी, मैं आपके लिए नई पहिए वाली बैग लेकर आया हूँ, ये देखिए। आप गाँव यही बैग लेकर जाइए। ले, मुझे लगा कि तू खेलने गया है, तू बैग खरीदने गया था। हाँ मम्मी। चलिए दादाजी, आपका सारा सामान ये बैग में भर देते है। हाँ। अरे नहीं नहीं टपुड़ा, ये मेरी पत्रे की पेटी ठीक है, मुझे ये पहिए वाली बैग लीजिए। अरे दादाजी, ये पहिए वाली बैग बहुत काम आती है, आपको इसे उठाने भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसे ऐसे खोल कर और ऐसे चला सकते हैं। ये और पहुंच गए गाँव। बराबर है टपुड़ा, लेकिन मैं हर बार यही पेटी लेके जाता हूँ, मुझे इसी की आदत है। बराबर है दादाजी, पर इस बार आप यही बैग लेकर जाएंगे। बापूजी, टप्पू सही कह रहा है, आप यही बैग लेकर जाइए, आपको सफर में आसानी रहेगी। लेकिन बहू। नहीं दादाजी, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड टप्पू की बात माननी पड़ेगी। ठीक है टपुड़ा, मैं ये पहिए वाली बैग लेकर ही जाऊंगा बस। हाँ हाँ भाई, शाम तक आपके यहाँ वॉशिंग मशीन की डिलीवरी हो जाएगी। अरे कल सवेरे तो भाभी जी उसमें कपड़े धो रही होंगे। अच्छा अच्छा, नट्टू काका किधर है? बागा आया नहीं अभी तक। टिकट नहीं मिली तो बापूजी मुझे धो डालेंगे। डोंट वरी सेठ जी, मुझे लगता है टिकट मिल गई होगी।
हेलो हाँ जेठिया। जी जी बापूजी बोलिए। ट्रेन की टिकट का क्या हुआ, मिली कि नहीं? बापूजी वो भागा गया, ये बस अभी आता ही होगा। उसके आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा बापूजी। सेठ जी टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिली? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक ही एजेंट की बात कर रहा है। मैंने तो कई एजेंटों को बात करके रखी है बापू जी। ओ एक से नहीं मिली तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं से तो मिली जाएगी। देख जेठिया कुछ भी करके तू मेरी आज बचाव जाने की टिकट करवा दे भाई। हाँ बापू जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी टिकट हो जाएगी। ठीक है। अरे भाई मैं फोन रख दूं, बाद में नहीं बता सकता था? सेठ जी आपने पूछा क्या हुआ इसलिए मैंने बताया। हाँ तो मैंने तुझे इशारे में पूछा ना क्या हुआ, तो इशारे से बताना चाहिए ना। नहीं मिली, ऐसे पहाड़ी आवाज में बोलने की क्या जरूरत थी? सेठ जी टिकट नहीं मिली है। सेठ जी बागा को बेचारे को क्या पता है कि फोन पर बापू जी होंगे। हाँ भाई हाँ, मेरी गलती है, मुझे ही ऐलान करना चाहिए था, सावधान फोन पे बापू जी है। मेहरबानी करके चाचा भतीजा आप दोनों कोई गड़बड़ मत करना। सेठ जी मिल्क वन स्पिल्ड कैन नॉट बी रिफिल्ड। मतलब अब ये सोचिए कि टिकट का बंदोबस्त कैसे करें। सेठ जी सभी एजेंट से एक ही जवाब मिला, 15 से 20 दिन का वेटिंग है। तो सुबह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाघा लेके आएगा बचाव की टिकट दोई, और अभी वेटिंग की बात कर रहे, अभी मैं तुझको दूई। हाँ तो सेठ जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मैंने कहा हाथ ऊपर कर दिए। ट्रेन चली जाएगी बाद में हाथ ऊपर करेगा, सॉरी सेठ जी टिकट नहीं कर पाया। सेठ जी शांति रखिए, टिकट का हो जाएगा। बागा तू गोडाउन में जा और 4-5 और एजेंटों से बात करके टिकट का कुछ भी करके कर दे, जा जी हो जाना चाहिए। आइए 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 आइए। अच्छा भाई साहब आप लोग लेटेस्ट स्मार्टफोन रखते हैं? हाँ हाँ स्मार्टफोन एक से बढ़िया एक रखते, आइए जो जो बजट में होगा दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ कुमार भाई बोलिए। हाँ क्या? गुजरात मेल की कितनी? 4 टिकट। कब की चाहिए आपको? अगले हफ्ते की टिकट चाहिए? आज फोन कर रहे हैं अभी से आप? देखिए आप एक दिन पहले भी फोन करेंगे तो भी हो जाएगी। हाँ अरे कुमार भाई आप सेम डे बोलेंगे तो भी हो जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ भाई साहब ये हमारे पास सब स्मार्टफोन है, देखिए ये है 25,000 का है, ये 28 का है और 30,000 का है। ये 30,000 वाला अच्छा है। भाई साहब एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। आप रेलवे में काम करते हैं? जी हाँ। तो भाई साहब एक मेरा छोटा सा काम है, कर देंगे जरा प्लीज? ओ बापू जी को आज क्या गांव जाना है, तो 2 भुज की टिकट मुझे चाहिए थी आज की, तो हो सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, शर्मा साहब को बोलूंगा तो फटाक से हो जाएगा। के पास टिकट का स्पेशल कोटा होता है, वो किसी भी ट्रेन की 10 टिकट बुक करवा सकते हैं। हाँ तो मुझे तो 2 ही चाहिए, प्लीज जरा करवा दीजिए ना हो सके तो। हाँ हाँ अभी करवा देता हूँ। वैसे इसका दाम कितना बताया आपने? इसका वैसे 30,000 है, लेकिन आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा 25 में बस। उनका बोलना अगर ज्यादा पैसा देना पड़े तो मैं तैयार हूँ, दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लो कर देना आपने छोटी बात, जब आप हमें इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ लीजिए ये पैक करवा दीजिए। अरे थैंक यू, ये आपका बड़प्पन है, आप इतना समझ के सोचते। मैं अभी पैक करवा देता हूँ, आप फोन कर लीजिए। नटू काका इसको बराबर से पैक करके और चार्जर बजट डाल के बॉक्स में डाल के बिल बना के दे दीजिए। जी सेठ जी। सेठ जी ये आपने क्या किया? क्या 30,000 का फोन 25,000 में दे दिया, 27 में तो हमें पड़ता है। नटू काका अभी कुछ मत बोलिए, अभी बापूजी की टिकट कंफर्म होनी बहुत जरूरी है, बापूजी को गांव जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हेलो चंदू, वो शाम को भुज जाने वाली ट्रेन की 2 टिकटें करवा दे आज शर्मा जी को बोल के। हाँ तू पता करके बता, मैं अभी पैसेंजर का नाम और एज बताता हूँ तुझे। हाँ हो गया काम? अरे क्यों नहीं होगा भाई,
पिछले साल मुझे भी फैमिली के साथ गांव जाना था, शर्मा जी ने खड़े खड़े 6 टिकट करवा दी थी। अरे वाह 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 वाह, हो गया, इसमें बिल बिल सब रख दिया जी। ये लीजिए आपका मोबाइल। अरे नटो काका, भाई साहब के लिए। जी जी जी, बोलिए आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? अरे कर देना छोटी बात, गर्मी का टाइम है, कुछ ठंडा मंगाइए, मैंगो फलूदा मंगाइए। वही आ गया भाई। हाँ हाँ चंदू बोल। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चल तू शर्मा जी को मेरा नमस्कार बोल। हाँ चल। क्या हुआ भाई साहब? एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? एक्चुअली वो शर्मा जी के साले ने स्पेशल कोटा की सारी टिकटें बुक करवा ली है। साले ने? हाँ वो बीवी का भाई। अब साले को मना तो नहीं कर सकते ना। लेकिन शर्मा जी के पास तो 10 टिकट का कोटा था ना। शर्मा जी के 2 साले हैं ना, दोनों ने 5-5 टिकट बुक करवा के 10 टिकट का खेल कर दिया। अच्छा भाई साहब चलता हूँ मैं, अगली बार जब भी टिकट की जरूरत हो मुझे बताइएगा। हाँ नमस्कार। क्या नसीब है मेरा, अब दूसरों के साले भी मुझे नल रहे हैं। सेठ जी आपने ये क्या किया? क्या? आपने अपने आप का 2080 रुपए का नुकसान कर दिया। 2080? 2000 मोबाइल में और 80 रुपया फालूदा में। अरे सेठ जी एक बार टिकट कंफर्म होके हाथ में आ जाए, बाद में आपको डिस्काउंट देना चाहिए था ना। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मिले टिकट? नहीं सेठ जी, सारे एजेंट तो पानी में बैठ गए। तो इतना खुश होकर क्यों आया? सेठ जी एक मंत्री जी है तिवारी जी, उनकी वाया वाया पहचान मिली है, वो हमें वीआईपी कोटा से टिकट बुक करवा के दे सकते हैं। पर तो किसकी राह देख रहे, जा जल्दी जा लेके टिकट। लेकिन सेठ जी मंत्री जी के लिए गिफ्ट लेके जानी पड़ेगी। कैसे गिफ्ट? आम, मंत्री जी को आम बहुत पसंद है, लोग भी कहते हैं मंत्री जी को खिलाओ आम, करवा लो अपना सारा काम। अरे ता जा भाई, 2 दुकान छोड़ के आम वाला बैठते है ना, उधर से आम ले ले, जा जा जा। और सुन भाई, आपूस ही लेना। हा? जी हेलो जेठिया, तू मेरी टिकट छोड़ के आम की खरीदी कर रहे? नहीं नहीं बापू जी, वो एक ग्राहक को आम भेजने है इसलिए मंगा रहा था आम। अरे आम छोड़ और मेरी टिकट का बंदोबस्त कर जल्दी। अरे शाम की गाड़ी है और अभी तक टिकट का बंदोबस्त नहीं हुआ है। अरे कब तू टिकट लाएगा और कब मैं और रोजी स्टेशन पहुंचेंगे भाई? बापू जी आप चिंता मत कीजिए, आप स्टेशन भी पहुंचेंगे और बचाव भी पहुंचेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ जल्दी कर भाई। जी जी बापू जी जी। यहाँ टिकट का ठिकाना नहीं और बापू जी फोन पर फोन कर रहे। ये रेलवे वालों को भी समझना चाहिए ना, जितनी लोकल ट्रेन है उतनी गांव की ट्रेन भी होनी चाहिए। क्या कहते हो नटू काका? लेकिन सेठ जी उतनी पटरियां भी तो होनी चाहिए। हाँ तो जा जा फटाफट मंत्री जी को आम देकर टिकट लेके आ। नहीं सेठ जी ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनके सेक्रेटरी से पहले बात करनी पड़ेगी। तो लगा फोन किसकी राह देख रहा है? जी हेलो। हेलो मैं गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स से बागेश्वर उंडाई वाला बोल रहा हूँ, मुझे तिवारी जी से बात करनी है। I'm very sorry, वो भी आपसे बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? अरे बाप रे। अच्छा ओहो ठीक है। क्या हुआ, मंत्री जी की टिकट कंफर्म हो गई? नहीं सेठ जी वेटिंग में है। सेठ जी तिवारी जी ज्यादा आम खाने की वजह से बीमार पड़ गए हैं, तो उनके सेक्रेटरी ने कहा है 1 हफ्ते बाद फोन करना। बोलो मंत्री जी आम खा के बीमार हो गए, ये टिकट नहीं मिली तो मैं बिना आम खाए बीमार हो जाऊंगा। सेठ जी आप ऐसे हार मत मानिए, अभी तक मैंने हार नहीं मानी है,
अगर ये बागेश्वर चाहे तो ट्रेन की पूरी बोगी बुक करवा सकता है। चुप रह! बागेश्वर? तू बागेश्वर नहीं, फेकेश्वर है, फेकेश्वर! तो टिकट हो नहीं रही है तुझसे, बोल रही है बागेश्वर चाहे तो पूरी बोगी बुक कर सकता है। लेकिन सेठ जी, चुप रे, चुप रे, चुप रे! अरे नटू काका, आप क्या चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं? कुछ दिमाग चलाइए। अरे हाँ, ये बाका, याद है पिछले साल तू अपनी दोस्त की शादी में गया था तो एक एजेंट ने एक साथ 24 टिकट बुक करके तेरे हाथ में दे दी थी। अरे हाँ, वनराज भाई, वनराज भाई मेरे रडार से कैसे छूट गए? सेठ जी, वनराज भाई आपकी टिकट करवा के देंगे। बापूजी से कहिए सामान पैक करे, मैं अभी टिकट लेके आता हूँ। नटू काका, अगर ये वनराज भाई से भी टिकट नहीं मिली ना तो बापूजी मुझे वन में राज करने भेज देंगे। सॉरी। अरे कमलेश भाई, बिल्कुल फिकर मत करिए, सोते सोते जाइए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके बाय बाय। अरे ये सुन, एक काम करे, ये रमेश भाई को 4 टिकट पहुंचा देना, और सुन, पहले पैसा लेना बाद में टिकट देना। ठीक है जी। वनराज भाई। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते, मैं बागेश्वर, वो बाजू में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वहाँ से आया हूँ। हाँ तो बैठो बैठो। थैंक यू। बैठिए बैठिए। वनराज भाई, मुझे बचाओ जाने के लिए 2 टिकट चाहिए। हाँ कब की? आज की, कोई भी ट्रेन हो चलेगा। हाँ मिलेगी ना, मगर 1 टिकट पे 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 1,000 रुपए? वनराज भाई, 1,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, दूसरे एजेंट तो सिर्फ 100 रुपया लेते हैं। अरे वो तो नॉर्मल टिकट के, मैं तुमको VIP कोटा में से करवा के दूंगा, एकदम कंफर्म टिकट। अरे घर से निकलोगे ना, हाथ में कंफर्म टिकट होगी। हाँ लेकिन फिर भी 1,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई वेकेशन का टाइम है और लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। नहीं बराबर है वनराज भाई, लेकिन 1,000 रुपए तो फिर भी बहुत ज्यादा है, एक फाइनल प्राइस बोलिए। तो क्या अभी तक मैं सेमीफाइनल प्राइस बोल रहा था? देखो ये फाइनल है, टिकट चाहिए तो लो, नहीं तो फिर चलती पकड़ो। ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। धंधे का मतलब ये नहीं होता कि मन में आया उतना मुनाफा बढ़ा दिया, धंधे के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। ए भाई, मैं इधर तुम्हारा भाषण सुनने को नहीं बैठा हूँ, मुझे तुमको टिकट देना ही नहीं है, जा जा। नहीं देना, नहीं देना, जा। हाँ तो जा ही रहा हूँ, मार्केट में 1,000 एजेंट हैं। हाँ सेठ जी। हाँ बागा, क्या हुआ, टिकट मिली? सेठ जी टिकट तो मिल रही है, पर 1 टिकट पे 1,000 रुपया मांग रहे हैं। टिकट कंफर्म दे रहे? हाँ सेठ जी। आज के? हाँ सेठ जी। भूज के? हाँ सेठ जी। अरे भाई तो राह किसकी देख रहा है, पैसे दे, टिकट लेकर दुकान आ जल्दी। लेकिन सेठ जी, 1 टिकट पे 1,000 रुपया बहुत ज्यादा है, दूसरे एजेंट सिर्फ 100 रुपया कमीशन लेते हैं। अरे भाई तो अभी जीबा चोरी मत कर, टिकट ले सीधा दुकान आ जल्दी। नहीं सेठ जी, लेकिन ये गलत है, लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अरे भाई मैंने तुझे वहाँ टिकट लाने के लिए भेजा है, क्रांति करने के लिए नहीं। एजेंट को फोन दे। जी ये लीजिए, हमारे सेठ जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो। भाई साहब, अभी वो जो मेरा आदमी है ना बागा, मैं उसका सेठ बोल रहा हूँ, जेठालाल। आप उसकी बात का बुरा मत लगाना प्लीज। 2 टिकट बुक करवा दीजिए ना आज की भुज के। मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको टिकट नहीं दे पाऊंगा, ये आपका आदमी है ना, मुझे धंधे का असूल सिखा रहा है। अरे भाई साहब, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, दे दीजिए प्लीज, आपका जो चार्ज मैं देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपको टिकट देनी ही नहीं है, आप कोई और एजेंट को ढूंढो। अरे भाई साहब देखिए, मेरे बापूजी को आज ही भूत जाना है, बरसों के बाद गांव जा रहे, देखिए आपके भी बापूजी होंगे, तो मेरे बापूजी आपके बापूजी ऐसा समझ कर टिकट दे दीजिए प्लीज। ठीक है, आपके बाबूजी की उम्र का लिहाज करके आपको टिकट दे देना, लेकिन आपके आदमी को समझा देना। अभी समझाता हूँ, फोन दीजिए उसको। हाँ सेठ जी। ये वाईडी पाचम बिना कुछ बोले एजेंट को पैसा दे और चुपचाप टिकट लेकर दुकान आ जा। लेकिन सेठ जी। बागा बोला उतना कर, टिकट लेकर दुकान आ। ठीक है सेठ जी। अरे वाह, दादा और पोता मिलके सामान बांध रहे हैं। कैसे रोजी दादा? जीता रहे जीता रहे। काका
मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ सब तैयारी हो गई? हाँ सब तैयारी हो गई। ये देख मेरा पूरा सामान तैयार हो गया है, बस अब एक ही चीज का इंतजार है। किस चीज का? टिकट का। टिकट अभी तक नहीं मिली? नहीं, जेठिया कोशिश कर रहा है। ए चंपकिया, मैं क्या कहता हूँ, ये ट्रेन में का चक्कर छोड़, दोनों बस में चलते हैं। अच्छा, हाँ ये वेकेशन के टाइम में टिकट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं तो ऐसे ही इंतजार करें तो ट्रेन भी निकल जाएगी और बस भी निकल जाएगी। हाँ वो तो तेरी बात सही है, जेठिया भी सुबह से भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन ट्रेन फुल होगी तो वो भी बेचारा क्या करेगा। तो बिना सोचा शाम की दो टिकट बस की करवा देता हूँ। तू किसी बस वाले को जानता है? हाँ, अरे वो मेरा भतीजा परेश है ना, वो राम भरोसे ट्रैवल में काम करता है। अच्छा, लेकिन भाई बस भी राम भरोसे नहीं चलती ना। तो बिना चंपक गया। हेलो राम भरोसे ट्रैवल्स। अरे परेश, मैं रवजी काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए रवजी काका, बोलिए। परेश आज शाम की बचाव की दो टिकट चाहिए। अच्छा काका, आपने जल्दी फोन कर दिया, थोड़ा लेट फोन करते तो टिकट मिलती ही नहीं। मैं आपकी दो टिकट रखवा देता हूँ। हाँ और पैसे मैं तुझे बस स्टैंड पे दे दूंगा। अरे काका पैसों की चिंता नहीं है, आप शाम को 6 बजे बस स्टैंड पर पहुँच जाओ, 6:30 बजे बस निकल जाएगी। हाँ जीता रहे जीता रहे। ये चंपकिया ले, दो टिकट हो गई बस की। आज अब कोई चिंता नहीं है, बस की टिकट तो पक्की हो गई, आज बचाओ जरूर जाएंगे। काका चाय। बहू जेठिया को फोन करके बोल दे कि हमने बस की टिकट बुक करवा दी। जी बापूजी, अभी बता देती हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, अब कितना भी बढ़ाओ वॉइस कभी फटती नहीं है। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। टिकट हो गई है। हो गई है। मैं बस अभी घर आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है। ओके। देखा अच्छा टीवी है, साउंड भी अच्छे है, वाइफ को लेके दो फिर डिसाइड कर दो। ओके ओके, उनकी राय लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टीवी पूरा दिन बीवी ही तो देखती है। ठीक है मैं बाद में आता हूँ। पूरी दुनिया के पति जोर के गुलाम है। क्या मतलब? मतलब आपके नहीं, कस्टमर पति लोगों की बात कर रहा हूँ। सेठ जी ये लीजिए आपकी टिकट। ए टिकट, कुछ अक्कल वक्कल है क्या? नहीं 1000 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा था उधर, टिकट नहीं मिलती तो। लेकिन सेठ जी 1000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपने सुबह प्लेन की टिकट कैंसिल करवाई तभी ख्याल नहीं आया? सेठ जी मिल्क वंस स्पिल्ड कैन नॉट बी रिफिल्ड। टिकट आपके पास है, जल्दी घर जाइए। जा भागा जल्दी रिक्शा लेकर आ। सुन वो आम भी रिक्शा में रखवा दे, बापूजी गांव ले जाएंगे अपने साथ। जी चाचा जल्दी जल्दी भाई। और नटू काका। समझ गया सेठ जी, दुकान मैं संभाल लूंगा। हाँ आता हूँ मैं। हाँ चाचा जल्दी कर भाई। अरे जल्दी कर। अरे भाई पोता किसका है? बापूजी आपके सफर में खाने के लिए इसमें थेपला और छुंदा रखा है। हाँ ये रवजी के थैले में रख दे। अरे वाह, बहू के हाथ के थेपले खाने का मजा आ जाएगा। हाँ भाई तुझे तो मजा ही आएगा ना, तुझे तो अचानक आधी रात को भी भूख लग जाती है। अभी याद है। अच्छा बहू जेठिया को फोन करके बोल दिया है ना कि टिकट बुक हो गई है? जी बापूजी, टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। अच्छा भाई बस की टिकट मिल गई। हाँ भाई, वरना पता नहीं ट्रेन की कब की टिकट मिलती और हम कब बचाव पहुँचते। तो दादाजी अच्छा होता ना, मुझे और वक्त मिलता रवजी दादा के साथ रहने का। बराबर है टपुड़ा, लेकिन मैं नहीं रुक सकता ना, मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। अब तो मैं जब गांव पहुंचूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। अरे तेरा दादा तो बचपन से इतना उतावला और जिद्दी है कि बस एक बार ठान लिया तो ठान लिया, एक बार गांव में है ना। अरे बस कर रहो जी, मेरे किस्से बहुत सुना दिए तूने, अगली बार के लिए भी कुछ बाकी रख। अरे रवजी काका आ गए आप। अरे काका नाश्ता भी कर लिया? ओहो बापूजी हो गई सब तैयारी? हाँ सब सामान तैयार ही है वो देख। अरे ये क्या बापूजी, आप ये बैग लेके जा रहे? हाँ वो टप्पू ने बोला इसलिए। बापूजी सुबह मैंने आपका बोला तो आपने मना कर दिया,
अभी टप्पू ने बोला था आप मान गए। क्योंकि पापा दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे की बात को कभी नहीं टालते, है ना दादाजी? हाँ तो अरे जेठिया, कल ही तो तू 5 दर्जन आम लेकर आया था, आज फिर से लेकर आया। बापूजी ये घर के लिए नहीं है, ये आपके लिए, आप इसे गांव ले जाना। मैं? हाँ, गांव के आपके दोस्तों के लिए मुंबई से छोटे से गिफ्ट। अच्छा ये भाई, ये आम शायद गांव तक पहुँचेंगे नहीं, ये और चंपक रास्ते में साफ कर देंगे, है ना चंपक? या नहीं भाई? नहीं, मैं इतने आम नहीं खा सकता, लेकिन तेरा कोई भरोसा नहीं है। चलो अब चले वरना देर हो जाएगी। हाँ अरे एक मिनट रुक भाई, जेठिया जाकर टैक्सी लेकर आ। बापूजी मैं दुकान से भागा को साथ में लेके आया हूँ, वो टैक्सी लेने ही गया, बस अभी आता ही होगा। ठीक है चलो। हाँ। रहने पापा, मैं सामान ले लेता हूँ। अरे बेटा तो अभी छोटा है, सामान मैं ले लेता हूँ। पापा अरे अरे भाई जेठिया, ये आम के बॉक्स टप्पू को दे दे। टप्पू तू आम के बॉक्स उठा ले बस। नहीं ले ले बस। हाँ चलो जी चलो चलो। आए बाप। हाँ क्या मदद करूँ जरा? चल अभी भाई चल चल। कन्हैया भाई को मिलके मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। आ गया बेटा। अरे चाचा जी आप निकल रहे गांव के लिए? हाँ मैं अभी आया, एक मिनट। हाँ अरे वाह चाचा जी गांव जा रहे हैं, क्या बात है, आ जाओ। ये जेठिया। हाँ बाबूजी। ये बागा अभी तक क्यों नहीं आया? बाबूजी उसको टैक्सी लाने को बोला ना तो रिक्शा क्या मिल जाती है, टैक्सी जरा ढूंढनी पड़ती है, पर आ जाएगा, आता ही होगा बाबूजी। चाचा जी गांव जा रहे हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, धूप में ज्यादा घूमिएगा मत, बीमार पड़ सकते हैं। हाँ। अरे तू फिक्र मत कर हटिया, गांव की धूप से मेरी पुरानी दोस्ती है, मुझे कुछ नहीं होगा। चाचा जी आप गाँव जा रहे हैं तो आपके लिए आपका अच्छा। थैंक यू। तो चाचा जी सारी तैयारियां हो गई? नहीं नहीं ये तो खाली ट्रायल बॉल है, कंपाउंड का मुआयना करने आए। कैसे? अरे भाई तैयारी हो गई इसलिए तो सामान लेके इधर नीचे उतरे। सरल कदी बोलो दस ने यार। आ गए बाबूजी टैक्सी आ गई। ओ टैक्सी आ गया सेठ जी। अरे भाई बाघा कितनी देर लगा जाने में? वो बापूजी रेलवे स्टेशन के लिए कोई टैक्सी मिली नहीं रही थी, ये भी बड़ी मुश्किल से मिली। लेकिन बाघा रेलवे स्टेशन नहीं जाना है बेटा, बस स्टेशन जाना है। सुनो बापूजी, ट्रेन तो रेलवे स्टेशन से ही जाती है ना, बस स्टेशन से थोड़ी जाती है। ये बाबूजी ट्रेन में जा कौन रहा है? रौजी ने तो बस की टिकट बुक करवाई है ना। क्यों? अरे मैंने बोला था ना बाबूजी ट्रेन की टिकट हो गई है, करवा के लेके ये देखिए। हाँ और वो भी वीआईपी कोटा से। एग्जैक्टली काय गड़बड़ का है? अरे एक मिनट भाई, जेठिया बहू ने तुझे फोन करके बताया था ना कि टिकट मिल गई है? नहीं बाबूजी दया ने मुझे नहीं बताया। क्या नहीं बताया था? मैंने फोन करके बताया तो था कि टिकट मिल गई है। अच्छा वो तो मुझे बता रही थी। मुझे लगा तो मुझे पूछ रही है टिकट मिल गई, मैंने बोला हाँ मिल गई। अच्छा जी आप तो बड़े नसीब वाले हैं, छुट्टियों का सीजन चल रहा है और आपको बस और ट्रेन दोनों की टिकट मिल गई। बापू जी किसके? सही बात है। एक काम कर चंपकिया, मैं बस में जाता हूँ, तू ट्रेन में जा। ऐसा थोड़ी होता है, दोनों साथ जाएंगे ना। हाँ बराबर है रोजी काका, आप और बापू जी ट्रेन में आराम से निकल जाइए। क्या ट्रेन की जर्नी ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगी? सही बात है। हाँ वो तो है, ट्रेन में सफर आराम से कट जाएगा। रौजी एक काम कर, बस की टिकट कैंसिल करवा। चंपकिया अभी रद्द कराऊंगा तो 200 रुपए कट जाएंगे। कोई बात नहीं करा दो, ये ट्रेन की टिकट कैंसिल करने जाएंगे ना तो 2000 का फटका लगेगा रौजी काका। 2000? हाँ बापू जी, क्या है एक टिकट का 500 रुपया तो ऊपर और 500 रुपया देकर टिकट खरीदी है, तो एक टिकट का वो 1000 रुपया तो 2 टिकट का हो गया ना 2000। और एजेंट ने क्या है अर्जेंट में एकदम वीआईपी कोटा में से तत्काल में वो निकलवाई है टिकट। तो अभी इसको कैंसिल कराने जाएंगे तो कुछ वापस मिलेगा नहीं, 2000 जाएगा।
तो 2000 का नुकसान हो उससे तो अच्छा ये 200 का नुकसान हो, है ना। रव जी काका, आप ये बस का टिकट कैंसिल करा दो। मतलब तू पैसे खिला कर टिकट लाया? हाँ बापूजी। जेठिया, तेरे जैसे लोगों की वजह से लाइन में खड़े रहने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलती है, पर तू डबल पैसा देकर टिकट लेकर आए। देश में भ्रष्टाचार फैला रहे। भ्रष्टाचार इसमें बापूजी? देखिए, एक तो क्या वैकेशन का टाइम है, कहीं से भी टिकट मिल नहीं रही थी। ऊपर से आप जिद पकड़ के बैठे थे कि मुझे कल क्या कल गांव जाना है, प्लेन में आपको जाना नहीं था, तो ऐसे में टिकट कहाँ से लाते बापूजी? ये तो मुश्किल से एक एजेंट को मैंने हाथ पैर जोड़े तो उसने VIP कोटा में से टिकट निकलवा के दी। अरे लेकिन मैं कोई VIP नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह ही जाऊंगा। मैं और रोजी बस से ही जाएंगे बस। सेठ जी, अभी ट्रेन की टिकट का क्या करें? उसको फाड़ के फेंक दे। और जेठिया, खबरदार खबरदार, जो आईंदा से भ्रष्टाचार फैलाया तो जाओ जी। पापूजी पापूजी, मैं आईंदा ख्याल रखूंगा। अभी ट्रेन की टिकट आ गई है तो प्लीज ट्रेन से निकल जाइए। क्या पूरी रात आप बस में बैठेंगे तो आपकी कमर अकड़ जाएगी बापूजी। प्लीज ला पकड़े। एक बार बोला था, समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं चाहिए तेरी ये पापी टिकट। पापी? वाह वाह चाचा जी वाह। याला म्हणतात आमचा आहे एकच नारा, भ्रष्टाचाराला नाही थारा। ओ विनोद कुमार, जरा आपला विनोदला आवरा। जिठला इसमें विनोद नहीं था तो कौन मुकेश था? हाँ ये विनोद है। ये विनोदी मुकेश, तू बस स्टेशन छोड़ने आ रहा है कि हम लोग जाएं? जेठिया बहुत देर हो गई है, बस निकल जाएगी, चल। नहीं नहीं, आ ही रहा हूँ मैं, क्या मना करो। आइए आइए बाबू, आइए आइए, चलो लाइए। हाँ रोजी का कहाँ पा जाइए। दादाजी मैं आपको बहुत मिस करूंगा, आपको रोज फोन करूंगा। हाँ हाँ जरूर करना मेरा दिकरा, और ज्यादा मस्ती मत करना है। हाँ दादाजी। चलो बाबू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबूजी। हाँ जय जिनेन्द्र दादाजी। जय जिनेन्द्र बेटा। बाबूजी पहुँच के फोन करना। हाँ जरूर करो। बाय बाय चाचा जी, हम संभाल के ले जाइएगा। हाँ चलो बिल्ली मास्टर। हाँ चलो हैप्पी जर्नी। हाँ बाय दादाजी। हाँ बाय 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 हो। गर्मी गर्मी गर्मी। ए भाई बागा, एसी बड़ा भाई एसी बड़ा। सेठ जी अगर एसी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और गर्मी बढ़ जाएगी। देख तू भी जानता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ मैंने क्या कहा है, इसलिए यथाशक्ति जो कुछ करना है वो मेहरबानी करके कीजिए। लेकिन सेठ जी एसी का टेम्परेचर तो मिनिमम पे ही है। अच्छा सेठ जी आप अभी बाहर से आए ना, इसलिए आपको गर्मी लग रही है। थोड़ी देर मस्त एसी में रहेंगे फिर एकदम ठंडक हो जाएगी। बाहर बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। सेठ जी आपके लिए कुछ ठंडा बोलूं? नहीं नहीं भाई अभी नहीं, ऐसा सीधे गर्मी से ठंडक में आके ठंडा नहीं पीते, अंदर की म्यूजिक सिस्टम बिगड़ जाती है। नट्टू काका कहाँ है? वो बाहर चाय पीने गए हैं। इतनी गर्मी में चाय पीने गए? हाँ सेठ जी, वो क्या है कब से वो एसी में बैठे थे ना तो थोड़े ठंडे पड़ गए थे, इसलिए कहा बाहर जाकर गर्मी खा के आता हूँ और थोड़ी चाय पी के आता हूँ। सेठ जी अगर आप बुरा ना मानो तो छोटा मुंह सच्ची बात बोलूं? छोटा मुंह सच्ची बात? छोटा मुंह बड़ी बात सुना था या कुछ नया लेके आया तू? वैसे सेठ जी ये बात बड़ी भी है और सच्ची भी है। कौन सी? सेठ जी हमें एजेंट से टिकट नहीं लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
अरे भाई जानता हूँ, लेकिन अभी बापूजी ने एन वक्त पे नक्की किया गांव जाना है, तभी एन वक्त पे टिकट बारी पैसे तो कंफर्म टिकट मिलती नहीं है, तभी क्या करे? और अगर टिकट का बंदोबस्त नहीं करता तो बापूजी की डांट खानी पड़ती। ओ अच्छा, मतलब आपने डांट के डर की वजह से टिकट करवाई। सेठ जी, हम सब डर की वजह से गलती करते हैं, लेकिन अगर मनुष्य नीडर होकर कार्य करे तो उसे कभी ऐसा काम नहीं करना पड़ता है। ओ भाई, अपना सलाह सूचन केंद्र का शटर बंद करो और जाओ, मेरे लिए ठंडा लेके आओ, जाओ। बराबर, अभी आपकी अंदर की म्यूजिक सिस्टम बाहर के तापमान से ट्यून अप हो गई होगी। ठंडा में क्या पियेंगे सेठ जी? एक काम कर, मस्त ठंडा गन्ने का जूस लेके आ जा। जी सेठ जी। जा जा, जल्दी जा भाई। तो बोलिए बोलिए मेहता साहब। क्या हुआ जेठालाल, चाचा जी के टिकट का मिला टिकट? हाँ हाँ, टिकट मिली और बापूजी गांव जाने के लिए रवाना भी हो गए। चलो ठीक है, यानी कि नाउ यू आर अ फ्री बर्ड। हाँ, फ्री फ्री क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है जेठालाल, पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ गड़ा के चमन में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक दो दिन थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन फिर बापूजी के बगैर बहुत सुना सुना लगता है, बापूजी की बहुत याद आती है। हाँ सो तो है जेठालाल, चलो ठीक है। ओके, और कुछ? अरे और कुछ क्या जेठालाल, मुझे लगा चाचा जी गाँव गए तो तुम तुरंत मुझे फोन करोगे। आज शाम को क्या कर रहे हो मेहता साहब? कोई प्रोग्राम करते हैं मेहता साहब शाम को। हाँ हाँ, तो चलो ले नेकी और पूछ पूछ, शाम को बनाते कुछ प्रोग्राम। एक काम करते, पार्टी शार्टी करते। आप बोल दो, सबको बोल दो। सबको क्या बोलूं, कि घर से क्या बोल के निकले बाहर? नहीं नहीं, जो है वो सच, पार्टी करने जा रहे, और क्या। हो, सच बोलने का बोल दू जेठालाल, सच। हाँ हाँ भाई सच, वो क्या है, झूठ बोल के निकलते है ना, फिर लेना नहीं देना हम ही फंसते, और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते, और फिर आखिर में तो सच बोलना ही पड़ता है, तो क्यों ना पहले ही सच बोल दे। ठीक है भाई, बोल देता हूँ सच, आज करते पार्टी शार्टी, फिर मिलते हैं शाम को। हाँ ठीक है, ओके। दया को बोली देता हूँ भाई, लगे हाथ। हेलो। हाँ दया सुन। हाँ बोली टप्पू के पापा। आज रात को मैं जरा बाहर जाने वाला हूँ, तुम्हारा खाना मत बनाना। हा? क्यों अचानक कहाँ जा रहे हो? किसी पार्टी से मिलने के लिए जाने वाले हो? नहीं नहीं, पार्टी से मिलने नहीं जा रहा हूँ, पार्टी करने जा रहा हूँ। क्यों 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 क्या क्या क्यों? एक दिन भी मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकता। अरे अरे अरे, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैंने तो सिर्फ पूछा किस तरफ जा रहे हो। आप खुशी खुशी जाइए जाइए, जी लीजिए अपनी जिंदगी। थैंक यू बलदेव जी, थैंक यू। मम्मी आज बाजू की सोसाइटी में नाइट मैच है, तो मैं खेलने जाऊँ? हाँ, कितने बजे तक मैच चलेगी? 12-1 बजे तक खत्म हो जाएगी। 12-1 बजे तक? सॉरी बेटा, इतनी देर तक क्रिकेट खेलने की मैं तुम्हें परवानगी नहीं दे सकती, पापा को पूछ के जाओ। मम्मी प्लीज। सॉरी बेटा सॉरी। तो ठीक है, मैं पापा को फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे फोन करने की जरूरत नहीं है बेटा, पापा यहाँ हाजिर है। बोलो बोलो क्या पूछना है। पापा पापा, आज बाजू की सोसाइटी में नाइट मैच है, तो मैं खेलने जाऊँ? नाइट मैच? हाँ 12-1 बजे तक मैच खत्म हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है बेटा। पापा ना बोला ना बेटा, रात को 12-12, 1-1 बजे तक इतनी छोटी उम्र में रखड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पापा पापा, रखड़ कौन रहा है, हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं। एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए आपका बेटा कैसे मस्त से क्रिकेट खेलता है। आज सोसाइटी की नाइट मैच, फिर अंडर-19, और फिर एक दिन टिपेंद्र जेठालाल गड़ा इंडियन टीम की तरफ से खेलेगा। देख भाई, ये सपने देखना और दिखाना बंद कर, एक काम कर, तेरी मैच कल रख तो मैं भी आऊंगा। हाँ आज मुझे बाहर जाना है। पर पापा सारी तैयारी हो गई है, लाइटिंग अरेंजमेंट भी हो गई है, अब एंड टाइम पे थोड़ी कैंसिल कर सकता हूँ पापा। वो बेटा तुझे पहले सोचना चाहिए,
मैच रखने से पहले तूने मुझे पूछा था कि पापा हम लोग ऐसा नाइट मैच रखने वाले हैं, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, ऐसा पूछा था? नहीं ना, अभी एंड टाइम पे तू परवानगी मांगने आया है तो मैं भी एंड टाइम पे परवानगी नहीं दे सकता बेटा। पापा प्लीज। सॉरी। अरे भाई तो क्या खड़ी है, अच्छे से कपड़े निकाल के दे मुझे। पापा भी बाहर जा रहे ना, तो वो जाओ उसके बाद में क्रिकेट खेलने जाता हूँ, और वो आए उसके पहले मैं आ जाऊंगा। अच्छा तू ऐसा नहीं मानेगा ना, मैं तुझे तेरे कमरे में बंद कर देता हूँ। नहीं पापा, नहीं 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 पापा, नहीं चल, नहीं नहीं पापा, नहीं। क्या खिलाती है इसको तू? वही जो आप खाते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा कम खाता है। नहीं नहीं पापा, चुप कर, प्लीज नहीं। पापा 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 क्या कर रहे हैं? आप गाँव नहीं गए? नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे जरा रुक, बताता हूँ। बहू जरा एक गिलास पानी देना। पानी 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 दे बाबूजी को, पानी दे। हाय बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी पानी पानी ला जल्दी बाबूजी। ओ बैग जरा रख ठीक से। वो हुआ यूं कि सिर्फ एक टिकट चाहिए। अरे भाई साहब बोला ना, नहीं हो सकता यार। भाई साहब प्लीज सिर्फ एक टिकट चाहिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है भाई साहब, मेरा जल्द से जल्द गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे आपको बोला ना बस फुल है, और वैसे भी केबिन में भी जगह नहीं है। भाई साहब मैं खड़े खड़े जाने को भी तैयार हूँ, भाई साहब मेरा जल्द से जल्द पिताजी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे नहीं हो सकता यार, तुम एक काम करो दूसरी बस में देखो। भाई साहब मैंने सब जगह चेक कर लिया, ट्रेन बस सब चेक कर लिया, सब फुल है भाई साहब। भाई सीजन के दिनों में ऐसा ही होता है, एक काम करो कल चले जाना। कल? कल सुबह तक तो मेरा गाँव पहुँचना बहुत जरूरी है, नहीं तो। क्या हुआ बेटा? चाचा जी मेरा गाँव जाना बहुत जरूरी है, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है चाचा जी, मैंने कब से समझा रहा हूँ कि मैं बस में खड़े खड़े जाने को भी तैयार हूँ, मगर ये मेरी बात मान ही नहीं रहे, अब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ये ले बेटा, ये मेरी टिकट है, मेरे बदले तू चला जा। चाचा जी। हाँ बेटा, मुझसे ज्यादा तेरा जाना जरूरी है। चंपक, ये लीजिए टिकट के पैसे चाचा जी। अरे पैसे लेने दे बेटा, जीवन में कभी कोई और व्यक्ति मुसीबत में हो तब तू उसकी मदद कर देना। बापूजी ये आपने बहुत अच्छा किया। ओ यही तो इंसान का फर्ज होता है, दूसरों को दुख में देखकर उनकी मदद करना, कर भला तो हो भला। और वैसे भी मुझे बहुत चिंता हो रही थी, आप गर्मी में गांव जा रहे थे, अच्छा हुआ आप नहीं गए बापूजी। हाँ दादाजी, चलिए मेरी मैच देखने। अभी रात को? हाँ दादाजी, बाजू की सोसाइटी में आज हमारी नाइट मैच है। नहीं बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, वरना जरूर आता है। तू एक काम कर, जेठिया को ले जा। पर दादाजी पापा तो आ रहे हैं ना। पापा आ रहे, साथ में आप भी आते हैं तो मजा आता, ऐसा कह रहा है टप्पू। लेकिन बेटा बापूजी थक गए ना, उनको आराम करने दे। और मैं तो आ ही रहा हूँ, तो उधर मैं चीयर्स करूंगा। वाओ ग्रेट पापा, मैं जाता हूँ। पापा आप लेट मत करना, जल्दी आ जाना। दादाजी आपकी मैं कमरे में रख देता हूँ। बापू जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। ठीक है आता हूँ। टप्पू के पापा आपके लिए अभी खाना बनाऊं ना? हाँ। ओम टप्पू के पापा, मैं तो सर को दुखद समाचार दे दूं? चापली।
दारू धणी नु थाय बाय दारू धणी नु थाय मित्ता साहेब।